उत्तरकाशी के सिलकाला टनल क्या 2024 में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खोल देगी? दरअसल जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे वो पूरी दुनिया की मीडिया की नजरों में आ गई है। इसके साथ ही एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पीएम मोदी आम जनता से जुड़ी किसी भी चुनौती को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में दिवाली के दिन से फंसे 41 श्रमिकों को आखिरकार 17 दिनों के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इससे श्रमिकों के परिवारों में दिवाली के त्योहार जैसा खुशी का माहौल है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी राहत की सांस ली है। अगर कहीं सुरंग में फंसे श्रमिकों के साथ कुछ गलत हो जाता तो इससे चुनावी समय में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता। पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर होते, लेकिन उनके सुरक्षित बचाव अभियान ने विपक्ष को ये मौका नहीं दिया है। उल्टे बचाव अभियान को जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ाया गया, उसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रशासनिक कुशलता ही माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस पूरे अभियान में जो सतर्कता दिखाई है, उससे उनके श्रमिक हितैषी छवि और मजबूत हुई है। जाहिर है इससे वो गरीबों विशेषकर श्रमिकों के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय होंगे। इससे पहले कोरोना काल में भी गरीबों श्रमिकों के साथ डटकर खड़े रहे और उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाने और पूरे कोरोना काल में राशन दिलाने का काम किया था। जाहिर है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। पीएम मोदी ने श्रमिकों को बाहर निकालने के ऑपरेशन में जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, उस तरह की सक्रियता इस तरह के मामलों में किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं दिखाई। उन्होंने न केवल अपने केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और वीके सिंह को इस ऑपरेशन में लगातार मोर्चे पर सक्रिय रखा, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से दो विशेष अधिकारी भी तैनात कर दिए, जो इस पूरे ऑपरेशन पर बहुत करीब से निगाह रखे हुए थे। उन्होंने हर पल सतर्कता अभियान का जायजा लिया और केंद्र से हर संभव सहायता तुरंत उपलब्ध करवाई। विदेश से विशेषज्ञों को बुलाने का मामला रहा हो या श्रमिकों के बचाव करने का काम, पीएमओ इस मिशन में पूरी तरह से डटा रहा। खुद पीएम मोदी कार्यालय के अपने अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार मामले की जानकारी लेते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं था, इतना बड़ा चुनाव अभियान उनका चल रहा था, लेकिन वो एक अभिभावक के जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, वैसे उन्होंने चिंता की और प्रत्येक दिन एक एक चीज़ को बारीकी से पूछते थे कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए खाना गया कि नहीं गया, उनके लिए ऑक्सीजन लगाया कि नहीं लगाया, पानी की क्या व्यवस्था हुई अंदर, वो उनके पास जो ज़रूरी दातून से लेकर जो छोटे छोटे सामान होते हैं रोजमर्रा के, वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उनके लिए तौलिया छोटी वाली वो बोतल के अंदर हमने डाली, वो पहुँची कि नहीं पहुँची, इस प्रकार की चिंता। उनके परिजन आए हैं तो उनके परिजनों का रहने का क्या इंतजाम हुआ, उनके खाने का क्या इंतजाम हुआ, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार की चिंता मैं समझता हूँ कि अकल्पनीय है और उसी के कारण से ये इतना बड़ा जो चुनौतीपूर्ण अभियान, कठिन अभियान था, वो हमारा सफल हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इतनी बड़ी आपदा से पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक पार पाया हो। इससे पहले भी जब जब भी कोई मुसीबत आई, वो उसको आसानी से पार कर दुनिया के सामने आए। गुजरात का वो गोधरा कांड भला कौन भूल सकता है? कौन कह सकता था कि उस कांड में सरकार पर लगे आरोपों के बाद सभी आरोपों से साफ बचते हुए वो फिर से गुजरात के सीएम की कुर्सी संभालेंगे? या फिर कोरोना महामारी का वो दौर भला किसके जहन में नहीं होगा, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और वैक्सीन के लिए तरस रही थी। उस मौके पर लोगों की हौसला अफजाई कर देश में ही वैक्सीन बनवा कर जन जन तक पहुंचाई और न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया बल्कि लोगों की जान की भी हिफाजत की। जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, तब देश के अलग अलग हिस्सों से करोड़ों श्रमिकों को अपने घर वापस लौटना पड़ा था। इस दौरान भी उन्होंने न केवल श्रमिकों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया, बल्कि पूरे कोरोना काल में उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दी। उस दौरान शुरू की गई राशन योजना अब तक जारी है। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी हर आपदा पर देखा जाए तो वो अवसर निकाल ही लेते हैं और दुनिया के सामने जीत कर ही सामने आते हैं।
मुझको तो नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो नज़र रखते हैं जो भी परेशानी आती है और उसको कैसे दूर किया जाए, और साथ में जो धैर्य की ज़रूरत होती है उसका भी उपाय करते हैं। तो मुझको लगता है कि ये धैर्य बनाए रखना, जो मैक्सिमम प्रयास हो सकते हैं और कैसे संयत तरीके से अच्छे प्रयास हो सकते हैं, ये उनका तरीका रहता है और यही इस टनल वाले मामले में नज़र है। इतना नहीं, बात जब देश की सुरक्षा की हो तो पीएम मोदी किसी के सामने न झुकते हैं और न ही समझौता करते हैं। जरा पुलवामा की उस घटना को याद कीजिए जब आतंकियों के हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। देश उन शहीदों को याद कर आंसू बहा रहा था। ऐसे समय में पीएम मोदी ने जो ठोस कदम उठाया उससे पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। हमले के कुछ दिन बाद ही पीएम के निर्देश पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।